हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीआरटी क्लास सेवेंथ चैप्टर फाइव के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर का नाम है क्वालिटी तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैजलर्स एज अ बूट मेकर तो जो ऑथर हैं इस चैप्टर के उसका उनका क्या ओपिनियन है जो मिस्टर गैसलर हैं उनके जो बूट बनाते हैं उनके बारे में तो आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू द ऑथर मिस्टर गैजलर वॉज द बेस्ट बूट मेकर इन द सिटी ऑथर के अकॉर्डिंग जो मिस्टर गैसलर हैं वो सबसे अच्छे बूट मेकर हैं बेस्ट बूट मेकर हैं पूरे शहर के ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट और जो मिस्टर गैसलर हैं वो सिर्फ वही बनाते हैं जिनका उन्हें ऑर्डर मिलता है और वो जो भी चीज़ बनाते हैं उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है और कभी भी मतलब वो नेवर फेल टू वेट का मतलब है कि कभी भी उनकी फिटिंग ख़राब नहीं होती है उनके शूज़ की द बूट्स मेड बाय हिम वर मिस्टीरियसली वंडरफुल ही वॉज परफेक्ट आर्टिस्ट इन हिज जॉब तो जो बूट्स बनाते हैं वो मिस्टीरियसली मिस्टीरियसली का मतलब होता है रहस्यपूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल बहुत अच्छे होते हैं और अपने काम में जो मिस्टर गैजलर है वो परफेक्ट है तो ये वाला हो गया हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई डेट द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली जो ऑथर हैं वो शॉप में काफ़ी ज़्यादा कम विजिट क्यों करते हैं फ्रीकुंट का मतलब होता है बहुत ही जल्दी जल्दी कोई काम मतलब एक काम को बार पर, बार 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 करना फ्रीकुंट इनफ्रीकुंट मतलब बहुत ही कम जाना बहुत ही कम धीरे धीरे करके वो काम करना या फिर इसी फिक्स इंटरवल में काम ना करना ये होता है इनफ्रिक्वेंट तो बूट मेड बाय मिस्टर गैजलर लास्टेड वेरी लॉन्ग लौंग। लॉन्गर देन द दे यूजुअल वंस तो मिस्टर गैजलर जो बूट्स बनाते थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे इतने लंबे चलते थे जो यूजुअली दूसरे शूज होते थे वो इतने नहीं चलते थे देअर फोर ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली इसलिए क्योंकि जो बूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चलते थे तो इसलिए ऑथर को बहुत ज्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी उनकी शॉप पर जाने की क्वेश्चन नंबर थ्री है वट वॉज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स जो मतलब जो मिस्टर गैसलर पे क्या इफेक्ट पड़ा था ऑथर के एक रिमार्क का एक बूट के बारे में मतलब ऑथर ने कुछ बोला था तो मिस्टर गैसलर का मतलब क्या रिएक्शन था उस इस टाइप से इसका क्वेश्चन का मतलब है अब इसका हम देख लेते हैं आंसर फिन ऑथर रिमार्क अबाउट सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स एज बी क्रिकी मतलब जो एक बार ऑथर ने मिस्टर गैजलर से कहा कि ये वाला जो पेयर ऑफ बूट्स है थोड़ा क्रिकी है मतलब इसकी फिटिंग सही नहीं है मिस्टर गैसलर लुक डेड हेम एज इफ सरप्राइज एंड वेटेड फॉर सम टाइम टू लेट द ऑथर विड और क्वालिफाई हिज स्टेटमेंट तो मतलब एकदम से जब ऑथर ने कहा कि वो जो बूट है वो क्रिकी है उसकी फिटिंग अजीब सी है वो अजीब सी कुछ साउंड कर रहा है तो मिस्टर गैसलर मतलब इस तरीके से देखने लगे सरप्राइज होकर कि मतलब ये क्या बोल दिया और वो वेट कर रहे थे कुछ देर तक कि ऑथर जो है अपना जो स्टेटमेंट है या तो उसे वापस लेगा या तो उस स्टेटमेंट को क्वालिफाई करेगा या कुछ बेटर करेगा फिर Then he asked the author to get the pair back to him, check and said if he could not repair them, he would take them ऑफ his bill. तो so फिर वो जो मिस्टर कैसलर हैं वो ऑथर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझको मतलब मेरे पास उन पेयर ऑफ शूज़ को वापस लेके आ जाओ देता हूँ मैं उन्हें ठीक कर पाऊँगा या नहीं और अगर मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा तो मैं उसके पैसे तुमको लौटा दूँगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस्टर कंप्लेंट अबाउट बिग फिल्म्स तो जो बड़े बड़े फिल्म्स थे बड़े बड़ी कंपनीज थी उनके बारे में मिस्टर की क्या कंप्लेंट थी तो इसका आंसर है मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फिल्म वाज दैट दे गेट देयर बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय गुड वर्क तो मिस्टर गैसलर बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बड़ी फिल्म्स के बारे में ये कहते हैं फिल्म्स का मतलब होता है कंपनीज ये कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका जो बिज़नेस आता है उनके पास जो कस्टमर्स आते हैं उनका सामान खरीदने के लिए वो उनकी क्वालिटी की वजह से नहीं आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन वो लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं एड्स देते हैं बड़ी बड़ी फिल्म इसलिए कस्टमर उनके पास आते हैं दे डिड नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द वर्क डे डू बड़ी बड़ी फिल्म को बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता है रिस्पेक्ट नहीं होती है अपने काम के प्रति एवरी ईयर मिस्टर गैजलर सेज फॉर गेटिंग लेस बिकॉज ऑफ देम एंड सून ही वुड बी लेफ्ट विद नो जॉब और हर साल क्या हो रहा है मिस्टर गैजलर की जो सेल है जो बिक्री है वो कम होती जा रही है इन बड़ी बड़ी फिल्म की वजह से और जल्दी ही क्या होगा कि मिस्टर गैजलर के पास कोई भी जॉब नहीं बचेगी कोई काम नहीं बचेगा अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स डिड ही रियली नीड दैम तो जो ऑथर थे उन्होंने इतने सारे पेयर ऑफ शूज़ को ऑर्डर क्यों किया था क्या ऑथर को सच में उनकी ज़रूरत थी तो इसका आंसर देखते हैं द ऑथर जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प मिस्टर गैसलर सो ही ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स जो ऑथर थे वो सिर्फ मिस्टर गैसलर को मदद करना चाहते थे उनकी हेल्प करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऑथर ने बहुत सारे शूज़ ऑर्डर किए थे नो ही डिड नॉट रियली नीड them. और एक्चुअल में तो ऑथर को उन शूज़ की जरूरत नहीं थी वो सिर्फ मिस्टर गैसलर की हेल्प करने के लिए उन शूज़ को ऑर्डर कर रहे थे तो अब वर्किंग विद लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो भी देख लेते हैं इसमें स्टडी द फॉलोइंग एंड देर मीनिंग्स मतलब हमें पढ़ना या उनकी मीनिंग बताना लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है ध्यान रखना लुक आफ्टर किसी का ध्यान रखना तो दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा इसका टेक केयर ऑफ राइट हाँ लुक डाउन ऑन डिसअ्रूवल और रिगार्ड एज इन्फीरियर लुक डाउन और मतलब किसी चीज़ को मतलब ऐसे देखना छी यार ये तो बहुत ही खराब है मतलब इस टाइप से होता है ना ये चीज़ तो बहुत ख़राब है तो वही होता है डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फीरियर इन्फीरियर का मतलब होता है नीचा या फिर ख़राब लुक इन मेक एज शॉर्ट विजिट मतलब लुक इन मतलब मेक अ शॉर्ट विजिट जैसे थोड़ी सी देर के लिए कहीं से कहीं पे किसी से मिलने जाना वो वाली चीज़ लुक इन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट किसी चीज़ को ध्यान से देखना लुक आउट लुक आउट ऐसे बोलते हैं ना प्लीज़ लुक आउट देयर इज समथिंग वेट ऑन द फ्लोर या इस टाइप का कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब लुक आउट ये चीज़ गर्म है ध्यान से पकड़ना बी केयरफुल मतलब ध्यान से ध्यान रखना इस चीज़ के प्रति ये होता है लुकआउट लुकअप मतलब इम्प्रूव करना इम्प्रूव करना मतलब बेहतर करना लुक अप टू मतलब एडमायर करना तारीफ़ करना फिर अब इसमें हमें सेंटेंसेस फ़िल करने हैं इसको हेल्प है इन वर्ड्स की हेल्प से जो हमने पढ़े थे आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज़ लुकिंग अप एट लास्ट लुकिंग अप मतलब ठीक हो रही है इम्प्रूव हो रही है लुकअप का मतलब क्या होता है इंप्रूव होना तो वेदर मतलब बहुत ज़्यादा पहले गर्मी थी मगर अब थोड़ थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक होने लगा है अब फिर इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग करते हैं वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी को इन्फीरियर नज़रों से देखें नीचे नज़रों से देखें जो छोटे काम करते हैं मतलब छोटी जॉब्स करते हैं कम पैसा कमाते हैं फिर थर्ड है नितिन हैज़ ऑलवेज लुकड अप टू हिज अंकल हु इज़ सेल्फ मेड मैन तो नितिन हमेशा अपने मतलब अंकल की तरफ देखता है कि वो मतलब कितने अच्छे हैं और उन्हें अपनी तरफ मतलब उनके जैसा बनना चाहता है जैसे कि लुक अप टू का क्या मतलब है एडमायर करना उनकी तारीफ करना उनको पसंद करना तो नितिन अपने अंकल की तरफ देखता है क्योंकि वो सेल्फ मेड मैन है खुद से ही बने हुए उन्होंने जो भी कामयाबी हासिल की है ख़ुद से है ये होता है सेल्फ मेड मैन सॉरी फोर्थ वाला द पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर लुकिंग इन टू मतलब देखभाल करना छानबीन करना इन्वेस्टिगेट करना फिफ्थ है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन फॉर यू अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मैं आपके चिल्ड्रेन की देखभाल कर लूंगा आपके लिए लुक आफ्टर देखभाल करना आई प्रोमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर वैन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट तो मैं प्रॉमिस करता हूँ देखिए लुक इन का मतलब हम देखते हैं क्या होता है लुक इन का मतलब मेक आ शॉर्ट विजिट कि मतलब वो ऐसा बोलता है कि जब मैं अगली बार मतलब लखनऊ जाऊँगा तो मैं आपके बदर से थोड़ी सी देर के लिए सही बट मिलूँगा लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं रोड को मतलब क्रॉस करते हुए आपको ध्यान देना चाहिए तो हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीट सो तो थैंक यू सो मच